हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ हैप्रेस 50 के बारे में। तो दोस्तों, बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेडिकल जानकारी को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। बात करते हैं दोस्तों हैप्रेस 50 के बारे में। तो दोस्तों, ये 25 रुपये से 26 रुपये तक का आता है और 14 टैबलेट आती है। दोस्तों, ये सिप्ला का है, जेनरिक मेडिसिन है। बात करते हैं दोस्तों इसके कंटेंट के बारे में। तो दोस्तों, इसमें मिलता है आपको एट्रिनोलोल टैबलेट 50 mg में आती है। दोस्तों, ये आपको 25 mg में मिल जाता है और आपको कॉम्बिनेशन वगैरह में भी मिल जाता है कई तरह की के। तो दोस्तों, ये आपको शेड्यूल का ड्रग्स है जिसको आपने यूज़ करने से पहले डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कर लीजिएगा या फिर फार्मासिस्ट से इसकी जानकारी जरूर लीजिएगा, तब जाके इसका प्रयोग करिएगा। बात करते हैं दोस्तों काम कैसे करता है। दोस्तों, एट्रिनोल टैबलेट जो होता है दिल यानी हार्ट और रक्त वाहिकाओं पर रासायनिक दूतों की कार्रवाई को रोकता है। और दोस्तों, ये दिल के दौरे, दिल की धड़कन, जैसे हार्ट ब्लड प्रेशर, हार्ट दिक्कत, उनको रोकने में काम करता है। दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों अदर यूज़ के लिए। तो दोस्तों, एंजाइना के लिए काफ़ी बेस्ट रिजल्ट है। दोस्तों, इसका एंजाइना होता है जैसे आपका छाती में दबाव पड़ रहा, भारीपन हो रहा, अचानक जकड़न हो रही है या अचानक से चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। दोस्तों, हार्ट अटैक के लिए होते हैं, दिल के दौरे के लिए इसका आप यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन वो पेशेंट पे डिपेंड करता है कि पेशेंट किस तरीके से है। हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ही हार्ट अटैक वगैरह आ जाते हैं कभी कभी, या फिर ब्लड प्रेशर आपका ये लो हो गया, हार्ट पंप कम कर रहा है, तो जिसकी वजह से आपको हार्ट की दिक्कत हो जाती है, तो उसमें यूज़ करवाया जा सकता है। दोस्तों, ये बीटा ब्लॉकर्स के समूह से वर्क करता है जो हार्ट के लिए मेडिसिन होती है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी होती है। दोस्तों, ये ब्लड प्रेशर के लिए काफ़ी चलने वाली मेडिसिन है जो बहुत ही बढ़िया इसकी रिजल्ट है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर के लिए और ब्लड हाई ब्लड प्रेशर के लिए काफ़ी अच्छा सिगरेट देखने को मिलता है। दोस्तों, ये जेनरिक है लेकिन इसका रिजल्ट एथिकल के मुकाबले भी काफ़ी बेस्ट रिजल्ट है। दोस्तों, इसका बात करते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट की। तो दोस्तों, इसको हार्ट बीट स्लो हो सकती है, इससे भ्रमिंग वगैरह हो सकती है, त्वचा पर चकत्ते वगैरह, हाथ पैर ठंडा होना, मांसपेशियों में थकावट, आंखों में जलन और सहन सुस्तता, हार्ट का फेल होना, सांस लेने में प्रॉब्लम आदि, सरदर्द और माइलेगिया, रात्रि में बड़बड़ाना, नींद ना आना जैसे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसके अगर आपको ऐसे कुछ साइड इफेक्ट होते हैं तो आप डॉक्टर से ज़रूर प्रिस्क्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, साइड इफेक्ट आपको तभी मिलते हैं अगर आप इसका सही से यूज़ नहीं करने या फिर आप इसकी डोज सही से नहीं ले रहे हैं। इसकी डोज होती है दोस्तों हार्ट अटैक वगैरह, ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए 25 से 50 mg तक इसको पर डे या फिर ओडी या बीडी आप इसका यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सहायता से ही। दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों इसके निषेध के बारे में, जिसने आपने इसका यूज़ नहीं करना है। अगर किसी पेशेंट को अस्थमा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, साइनस ब्रोडिकार्डिया है, पायरलिस हार्ट ब्लॉक है, प्रेगनेंसी है, नर्सिंग मदर्स है, हार्ट वगैरह या फिर लीवर वगैरह, लीवर है, गुदरे हैं, अगर कोई ख़राबी है तो उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। एनीमिया की शिकायत होती है, मस्तिष्क गांठ है, तो दोस्तों इसको आपने यूज़ नहीं करना है, या फिर आप सावधानी से यूज़ करवा सकते हैं। दोस्तों, सावधानी की बात करते हैं। दोस्तों, अगर किसी को मूत्र या लीवर रोग है तो उसके लिए यूज़ करने से पहले डॉक्टर से प्रिस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमज़ोर रक्त प्रवाह यानी वीक ब्लड फ्लो है तो इसका यूज़ करने से डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। अस्थमा एवं ब्रोंकाइटिस की समस्या है, गर्भावस्था है, दूध पिलाते हैं बेबी को, डायबिटीज़ वगैरह है, तो आप इसका यूज़ करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर पूछ लीजिए। अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो आप इसे सेफली यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसका जो रूट होता है दोस्तों, यानी आप किस तरीके से इसको ले सकते हैं, ये IV में भी आता है और ओरली आप इसका टैबलेट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी टैबलेट है। दोस्तों, और ये बस ये थे कुछ इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट, निषेध के बारे में कंप्लीट जानकारी एटेनॉल के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी टैबलेट है बीटा ब्लॉकर्स के लिए, हार्ट वगैरह के लिए, या फिर कहीं तो ब्लड प्रेशर की वजह से, क्योंकि ब्लड प्रेशर का सारा सिस्टम जो है हार्ट से जुड़ा होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर या पंप सही से नहीं कर रहा तो आपको ब्लड प्रेशर वगैरह की शिकायत होती है, या फिर आपको कोई टेंशन वगैरह है। तो दोस्तों, मेरे अपनी तरफ से कुछ टिप्स है आपके लिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आप स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, शांत रहे, और कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए जैसे एसिडिटी वगैरह की चीज़ें जिससे आपका ब्लड फ्लो एसिडिटी हो पेट में और आपका ब्लड ज़्यादा बढ़े जिससे आपका BP ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपने ये चीज़ें थोड़ा बहुत इग्नोर करनी है, अपनी तरफ से परहेज भी कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ परहेज के बारे में चाहते हैं BP में तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसको रिक्वायर्ड ज़रूर करूँगा। तो ये था कुछ हैप्रेस 50 के बारे में। तो दोस्तों,
तो ये कुछ आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलता है नए वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।